प्रेविया ठीक है तो प्रेविया का मतलब मैंने अभी आपको लिखवाया प्रेविया का मतलब क्या होता है? मतलब है? मतलब है? तो है तो इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे? कहेंगे? लिख भी लें वैसल ब्लड वैसल ठीक है ब्लड वैसल इस तरह आपने इसको याद रखना है ब्लड वैसल बिफोर ब्लड वैसल बिफोर बेबी अगर बेबी से पहले ब्लड वैसल बाहर आ गई है तो इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं वेजा प्रेविया कहते हैं ओके अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें होगा क्या तो इसमें उसने इसकी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन उसने ये लिखी हुई है कि फुल फुल वेस, वैसल हाँ फीटल वैसल सॉरी फीटल वैसल फीटल वैसल रन ओवर ठीक है फीटल वैसल रन ओवर और और लेस देन टू सेंटीमीटर रन ओवर आर लेस देन टू सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रॉम इंटरनल फ्रॉम इंटरनल सर्वाइकल ओस फ्रॉम इंटरनल सर्वाइकल ओस जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है अगर उससे लेस देन टू सेंटीमीटर क्या हो आपकी फिटल वैसल रन करे या उसके ऊपर से गुजरे तो इसको हम कहते हैं वेजा प्रेविया दोबारा सुने जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है अगर उससे लेस देन टू सेंटीमीटर या जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है बिल्कुल ऊपर से अगर क्या गुजरे आपकी फीटिल वैसल गुजरे है आपकी जो अम्ब्लाइकल कोड अगर वो गुजरे तो इसको हम क्या कहते, है, कहते हैं उसको कहते हैं वेजा प्रेविया और इसमें आप समझने वाली बातें अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना ध्यान मेरी तरफ लेके आए ताकि आपको ये बात समझ आ सके देखो इसकी स्ट्रोंग एसोसिएशन है इसकी एसोसिएशन किसके साथ है स्ट्रोंग एसोसिएशन है किसके साथ एसोसिएशन है ये आपने समझना है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है किसके साथ है हैटियस अम्ब्लाइकल कोड अब सबसे पहले तो हम देखते हैं विलामेंटियस अम्बलाइकल कोड क्या होता है विलामेंटियस अम्ब्लाइकल कोड इसकी स्ट्रोंग एसोसिएशन है किसके साथ विलामेंटियस अम्बलाइकल कोड तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या होता है अब आपको पता है आपको क्या पता है कि जो नॉर्मल होती है ठीक है इसको इस हम अंडरलाइन कर लेते हैं देखो जो नॉर्मल अम्ब्लाइकल कोड होती है नॉर्मल अम्ब्लाइकल कोड नॉर्मल अम्बलाइकल कोड जो नॉर्मल अम्ब्लाइकल कोड होती है वो क्या करती है वो बेबी से निकलती है बेबी का जो नाफ होती है बेबी के नाफ से निकलती है और सीधा प्लेसेंटा में चली जाती है तो जो नॉर्मल कोड होती है वो डायरेक्टली बल्कि आप अपनी समझ समझने के लिए इसको लिख भी लें कि जो नॉर्मल कोड होती है वो डायरेक्टली एंटर्स डायरेक्टली एंटर्स इनटू डायरेक्टली एंटर इन टू प्लेसेंटा जो नॉर्मल कोड होती है वो सीधा प्लेसेंटा में चली जाती है सीधा प्लेसेंटा में एंटर हो जाती है लेकिन आपका एक और तरह की कोड होती है जिसको हम कहते हैं विलामेंटियस विलामेंटियस इसको हम क्या कहते हैं जरा गौर से समझना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे विलामेंटियस कोड अब ये जो विलामेंटियस कोड है ना इसमें अब नॉर्मैलिटी होती है इसमें अब नॉर्मैलिटी क्या होती है ये, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ तो किसी और कलर से लिख लेते हैं जो विलामेंटियस कोड होगी कोड क्या करेगी कोड डायरेक्टली प्लेसेंटा में जाने की बजाय वो क्या करेगी कोड इंसर्ट इंटू कोड इंसर्ट इसको लिखे लाजमी कोड इंसर्ट इंटू कोरियो कोरियो एमनियोटिक कोरियो एमनियोटिक जो कोड होगी वो प्लेसेंटा में जाने की बजाय कहा चली जाएगी कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन मतलब कि जो प्लेसेंटा की मेब्रेन प्लेसेंटा कह रहा हूँ जो अपना वो कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन थी मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी पहले उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी

कि आर्टरीज कितनी होती हैं और वेन कितनी होती है, जो प, आ, है, इस आर्टरीज होती है और, और इसमें एक और स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। सही बता रहे हैं। जी हमने कहा था दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है तो क्या हुआ कि मैंने अम्बलाइकल कोड में हमने देखा था कि ये क्या हो गई दो क्या थी दो क्या थी दो, दो क्या थी आर्टरीज और आर्टरीज क्या कैरी करती थी डीओक्सीटेड ब्लड और नीचे एक क्या था नीचे क्या थी वेन थी ठीक है नीचे क्या थी वेन थी और दरमियान में क्या था एलंटॉइज था दरमियान में क्या था एलेंटॉइज था और इनके इर्द गिर्द मैंने आपको एक जैली बताई थी यस डॉक्टर निमरा जो ए, ये जो ये थी के इर्द गिर्द मैंने आपको एक जैली बताई थी और इसका मैंने आपको बताया भी था कि ये किस केमिकल से मिलकर बनी होती है बताना जरा किस केमिकल से मिलकर बनी होती है म्यूकोपोरी म्यूकोपोलिस्क्राइड यही था या कुछ और था सोचो सोचो अच्छा ये जो जैली होती है इनके इर्द गिर्द एक गिर्दली होती है जिसको हम कहते हैं वार्टन जैली हम क्या कहते हैं वार्टन जैली अब क्या हुआ कि जो आपकी अम्बलाइकल कोड है वो क्या है जो है वो क्या है विलामेंटियस है विस विला का मतलब क्या हुआ कि वो प्लेसेंटा में जाने की बजाय वो कहां चली गई देखो फर्ज करो कि ये क्या है ये पूरे का पूरा प्लेसेंटा सेंटर यहाँ पे वो प्ले अटैचमेंट है ये क्या है बेबी है ठीक है ये क्या है बेबी है

अल्लाह के बंदो सारे भूले हुए हो लेकिन कोई बात नहीं है मैं समझ सकता हूँ ठीक हो गया तो इसको हम कहते हैं विलामेंटियस अब क्या होगा देखो जो कोड इंसर्ट इनटू कोरियोमिनोटिक मेम्ब्रेन रादर देन प्लेसेंटा इससे होगा क्या इससे क्या, क्या, होगा जो हमारी कोड होगी जो कोड होगी वो ट्रैवल करेगी कोड ट्रैवल अनप्रोटेक्टेड कोड ट्रैवल्ड अनप्रोटेक्टेड जो कोड होगी वो ट्रेवल करेगी अनप्रोटेक्टेड अब अल्लाह ताला ने तो वार्टन जाली किस लिए रखी थी प्रोटेक्शन के लिए जो जो uh, वाटर जैली मतलब इस, नहीं होती वाटर जैली नहीं होगी तो क्या होगा इसमें इसको इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर होगा इसको क्या होगा इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर होगा अब क्या होगा देखो अब यही तो बात हम कर रहे हैं कि जो जो वेजा प्रेविया इसमें क्या आता है जो वैसल होती है वो इंटरनल सर्वाइकल ओस को क्या कर देती है इंटरनल सर्वाइकल को क्या कर देती है कवर कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी ब्लड है है वो रप्चर हो सकती है. और इसमें भी सेम आपने ना कोई डिजिटल ए, ए, डिजिटल एग्जाम करना है और ना आपने उसको ये भी कहना है कि आपने इंटर कोर्स नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक हो गया तो इसका भी सेम वही कंसेप्ट है अब हम इसकी डायग्राम इस देखते हैं कि इसकी डायग्राम में आपको उसने क्या बताने की कोशिश की है तो कहाँ गया आई थिंक ये है। एक मिनट सी नहीं नहीं ये नहीं है एक मिनट मुझे देखने दे हाँ इसका ये है नहीं नहीं ये तो वेज़ा प्रेवी है इसकी आई थिंक मुझे डायग्राम नहीं मिल, मिल रही खैर इसको आपको समझ आ गई है ना कि इसमें क्या होगा अब हम इसकी इसकी नाम बुक से डायग्राम पढ़ लेते हैं देखो ये आगे बुक

देन उसके बाद वो कहाँ गई उसके बाद वो जाके प्लेसेंटा में हुई और अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो एरिया है ये क्या है नेकिड है ठीक है इसमें वाइटन जाली नहीं है तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा मोर चांसेस जहाँ पे वाइटन जाली नहीं होगी उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे और इसमें भी आपने उसको लाजमी ये कहना होता है कि आपने इंटर कोर्स नहीं करना आप आपने उसको डिजिटल एग्जाम नहीं करना अगर आप करोगे तो क्या होगा कि ये वैसल रप्चर कर जाएगी और वो बेबी क्या आ जाएगा फौत हो जाएगा ठीक हो गया तो दिस इज ऑल अबाउट वेजा प्रेविया। वेजा वेजाप्रेविया वेजा में क्या आता है जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है वो, उस, वो उसके सामने क्या आ जाती है वैसल आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं वेजा वेजाप्रेविया कहते हैं और इसकी स्ट्रॉग स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ है हम किसको कहते हैं कि अगर कोड डायरेक्टली प्लेसेंटा में जाने की बजाय अपना प्लेसेंटा में जाने की बजाय कोरियो एमनोटिक मेम्ब्रेन में चले जाए और देन उस प्लेसेंटा में जाए तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं विलेमेंटियस कोड इसको हम क्या कहते हैं विलेमेंटियस कोड कहते हैं और इधर एक वर्ड लिखा हुआ है जहाँ जो आपने मुझसे माशा अभी पूछ लेना है डेट इज बाई लोब्ड बाई लोब्ड या फिर बाई लोब्ड या फिर अच्छा इसके आगे लिख लें कि जो प्लेसेंटा होगा ना वो डबल लोब्ड होगा मतलब मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ मुझे डायग्राम वो मिल नहीं रही मैंने निकाली तो थी इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना देखो थी? थी? क्या आता है, थी? है? कि फर्ज करो एक ये प्लेसेंटा है ना तो इसके साथ एक और प्लेसेंटा बन जाता है इसमें हमें डबल लोब्ड प्ले सेंटर भी मिल सकता है जो प्ले सेंटर होगा उसके डबल लोब होंगे ठीक हो गया अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं ये मरीज हमारा किस तरह हमारे सामने आएगा इसकी प्रेजेंटेशन क्या तो है इसकी प्रेजेंटेशन ये है

जो बेबी होगा देखो जब बेबी की ब्लाइकल ही रप्चर हो गई है तो उस बेबी में क्या होगा स्वेर ब्लड लॉस होगा स्वेर ब्लड लॉस इसको हम कहते हैं तो जब उसमें स्वेर ब्लड लॉस होगा तो बेबी वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा तो एक्सेंग्वेशन हो जाएगी या फिर क्या हो सकता है फीटल डेथ हो सकती है और इसमें हमें ना एक ट्राई मिलता है इसमें हम एक ट्राईड क्या मिलता है उसको हम उस, इस तरह बनाते हैं ठीक है ये क्या है एक ट्राइंगल है और इसमें हमें ट्राइएड क्या मिलता है सबसे पहले जो जो वेजा प्रेविया है वेजा प्रेविया में आपको क्या क्या ट्राईड चीजें मिलेंगी तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा मेमब्रेन रप्चर तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे आसान नफ्सा में लिख देता हूं मेमब्रेन रप्चर तो इसमें चूंकि जो आपकी वैसल है वो मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है तो इस वजह से क्या हो सकती है मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है मतलब कि डिलीवरी से पहले ही मेम्ब्रेन क्या हो सकती है रेपचर हो सकती है मेम्ब्रेन क्या हो सकती है रप्चर हो सकती है पहली चीज उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको चीज मिलेगी दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग ठीक है कि उसको क्या होगी वजाइना के रास्ते ब्लीडिंग हो रही होगी लेकिन वो क्या होगी पेनलेस होगी ठीक है पेनलेस होगी तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा जब आप फीट, फीटस की हार्ट रेट चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा फीटल ब्रेडिकार्डिया फीटल ब्रेडिकार्डिया मिलेगा फीटल ब्रेडिकार्डिया मिलेगा और क्या मिलेगा मेम्रेन रप्चर मिलेगा और क्या मिलेगा पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी और ये जो फीटल ब्रेडिकार्डिया है ये जो फीटल ब्रेडिकार्डिया है इसमें आपको कितनी वैल्यू मिलेगी लेस देन वन टेन लेस देन वन टेन बीट पर मिनट ठीक है आपको पता है फीटस की जो हार्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका नॉर्मल हार्ट रेट कितना आता है 100 होता है और जब वो बड़ा होता है तो उसका जो कम हार्ट बीट है तो इसको हम कहते हैं फीटस ठीक हो गया ओके जी ये भी समझ आ गया तो मुझे जल्दी से शाबाश बताएं कि ये समझ आ गया है, प्रेविया क्या होता है। जल्दी बताएं जल्दी डॉक्टर का मतलब ये होगा

आप टैकी तो नहीं पूछ रहे कि जो वो टैकी कार्डिया होगा आप टैक, टैकी कार्डिया का पूछ रहे थे देखो इसमें टैकी कार्डिया नहीं होता क्योंकि जो बेधी है, बेधी में अभी वो और अभी सही तरह डेवलप नहीं हो रहा हुआ होता और वैसे भी ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो जाता तो ब्रेडिक कार्डिया होगा ठीक है ब्रेडिक कार्डिया होगा मद डॉक्टर काशिफ मदर में डॉक्टर काशिफ मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही चलें जी डॉक्टर परिसा डॉक्टर समीना डॉक्टर अनम मास्टर साहब को क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई है तो आई होप कि आपको समझ आ गई है बातों की ठीक है हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्लेसेंटल सेंट्रल की ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेंटा के जितने भी डिसऑर्डर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आपने नहीं छोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब प्लेसेंटल सेंटर अबरप्शन इसमें क्या होता है प्लेसेंटल सेंट्रल अबरप्शन इसमें क्या होता है तो इसको हम समझते हैं ये बड़ा आसान है ये भी लेकिन इसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा वो आपने डायग्राम अपनी बुक पे नोट कर लेनी है उसमें कुछ थ्योरी वाली बातें है वो आपने लाजमी नोट कर लेनी है प्लेसेंटल अबरप्शन जो प्लेसेंटल प्लेसेंट्रबरप्शन है इसको हम अबरपशियो प्लेसेंटा भी कहते हैं इसको हम अबरपशियो प्लेसेंटा भी कहते हैं इसमें क्या होता है देखो अब अभी, अभी मैंने आपको बताया कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले बेबी आता है पहले बेबी बेबी साहब दुनिया में तो शरीफ लाते हैं उसके बाद बीस पच्चीस मिनट बाद तीस मिनट बाद क्या आता है प्लेसेंटा बाहर आता है ठीक है प्लेसेंटा डी अटैच होता है लेकिन अगर क्या हो अगर क्या हो अभी डिलीवरी नहीं हुई अभी डिलीवरी हुई नहीं है लेकिन प्लेसेंटा पहले ही डीअटैच हो गया अगर अभी डिलीवरी नहीं हुई लेकिन प्लेसेंटा पहले ही अटैच डीअैच हो गया इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन दोबारा सुने बल्कि हम इसको लिखते हैं प्रीमेच्योर ठीक है प्री मेोर सेपरेशन ठीक है प्री मेच्योर ऑफ प्लेसेंटा Чисlo. मतलब कि अभी डिलीवरी नहीं हुई लेकिन डिलीवरी से पहले ही प्रीमच्योर सपरेशन ऑफ प्लेसेंटा सेंटा डिलीवरी से पहले ही अगर प्लेसेंटा क्या हो गया है डी अटैच हो गया है तो इसको हम कहते हैं कहते हैं प्रायर टू फीटल डिलीवरी से पहले अगर प्लेसेंटा डी अटैच हो जाए तो इसको हम हम क्या कहते कहते हैं, हैं इसको और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है इसमें रिस्क फैक्टर ध्यान से सुन लेना ये इंपॉर्टेंट है इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे तो इसमें रिस्क फैक्टर सबसे मोस्ट रिस्क फैक्टर जो इसका क्या है मटरनल हाइपर टेंशन मटरनल हाइपर हाइपरटेंशन अगर मदर को क्या है हाइपर टेंशन है मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपर है तो इसको हम कहते हैं मटर हाइपरटेंशन, लेकिन इसकी तीन टाइप्स होती हैं। uh, hypertension, hypertension, uh, और लेकिन वो हम बाद में देखेंगे फिलहाल आप ये क्या होते हैं। फिल याद रखें कि अगर मदर को क्या है प्रेगनेंसी है, के दौरान तो इसमें क्या होगा इसमें उसमें हो जाएगी और एक अहम बात एक अहम बात जो मदर जो प्रेगनेंसी होती है प्रेगनेंसी में अगर बीपी अगर बीपी मोर देन नाइनटी और मोर देन हो जाए देखो जो नॉर्मल हम सारे माशाल्लाह बंदे हैं तो हम जब खाना खाते हैं या हम थोड़ा सा नमक खा लेते हैं तो हमारा बीपी आराम से 140 145 पे चला जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन नहीं कहते लेकिन अगर प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी में बीपी 140 से ऊपर चला जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं और ये खतरनाक होता है दोबारा सुने नॉर्मल जितने भी बंदे हैं हमें हम एक सौ हो जाता है एक सौ हो जाता है लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपने देखा अगर आपने गानी में काम किया तो जैसे ही वो बीपी बीपीटी पे जाता है तो डॉक्टर की लग जाती है उसको ये पता होता है कि ये काम खराब होने लगा है तो प्रेगनेंसी में मोर देन इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल ठीक है तो अगर मदर को क्या है मदर को हाइपर टेंशन है तो उसमें क्या हो सकता है उसमें प्लेसेंटा पहले डीटैच हो सकता है या फिर उसको क्या है प्री एक्सिया प्री थिंक हमने पढ़ना भी है और हम इसको कल या परसों पढ़ेंगे भी और गायना में भी लिखा हुआ है का मतलब ये होता है कि अगर अगर मदर को हाइपर uh, टेंशन है प्लस उसके साथ कोई uh, उसको uh, उसका कोई ऑर्गन भी डैमेज हो गया और उसको ऑर्गन uh, भी डैमेज हो गया और उसके यूरिन में प्रोटीन भी आ रही है तो इसको हम कहते हैं प्री क्लैम्पसिया लेकिन ये होता है मोर देन ट्वेंटी एज के बाद इसको हम बाद में पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेनी प्रीक्लैंपिया प्री क्लैम्सिया क्या होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे उसके अलावा अगर वो औरत क्या करती है स्मोकिंग करती है या फिर वो क्या करती है कोकीन यूज करती है

और वो कहेगी कि डॉक्टर साहब बहुत अचानक मतलब अब्रप्ट अब्रप्ट अचानक स्वेयर स्वेयर ब्लीडिंग ब्लीडिंग इसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगी अब्रप्ट स्वेयर ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर कि अभी उसकी प्रेगनेंसी मतलब करीब ही थी डिलीवरी के और क्या हो गई उसको स्वेयर ब्लीडिंग हो गई तो आपने सस्पेक्ट करना है कि इसको क्या है इसको प्लेसेंटल अब्रप्शन है इसका जो प्लेसेंटा है वो डी अटैच हो चुका है और आपको पता है कि अगर स्वेयर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा अगर स्वेयर ब्लीडिंग होगी तो इसको हम कहते हैं पोस्ट बल्कि इसको हम पोस्ट पार्टल नहीं होगा ये प्री पार्टल होगा अभी बर्थ नहीं ना हुई तो इसमें क्या होगा हेमरेज होगा इसमें क्या होगा हेमरेज होगा ठीक है तो इस जो आपका ये मरीज होगा इसमें क्या होगा हेमरेज होगा और जब हेमरेज होगा तो इसका स्वेयर ब्लड लॉस होगा इसको क्या हो जाएगा हाइपोवलिमिक शॉक ठीक है ये हाइपोवलीमिक शॉक में भी जा सकती है हाइपोवलीमिक शॉक ये सारा कुछ हमने सीरियस में पढ़ा था हाइपोवलिमिक शॉक में भी ये जा सकती है ठीक हो गया ओके हम आगे चलते हैं

जो प्लेसेंटा होता है ना मैंने आपको तो बताया था हिमाटोलॉजी में जो प्लेसेंटा होता है ठीक है जो प्लेसेंटा होता है प्लेसेंटा और जो एमटिक फ्लूड होता है इन दोनों में ना टिश्यू फैक्टर होते हैं जो प्लेसेंटा होता है प्लेसेंटा में क्या होता है टिश्यू फैक्टर होते हैं क्या होता है टिश्यू फैक्टर होता है क्या है? होता है टिश्यू फैक्टर होता है और आपको पता है टिश्यू फैक्टर किसके काम आता है ब्लड क्लॉटिंग के ये बहुत अहम बात है इसके ऊपर लिखे भी इंपॉर्टेंट बात और ये आए भी हुए हैं और ये आपको क्लिनिकली बहुत काम आएगी प्लेसेंटा में क्या होते हैं टिश्यू फैक्टर होते हैं और टिश्यू फैक्टर में बंदी अगर कोई बंदी और उसका जो प्लेसेंटा है प्लेसेंटल अब्रपो है उसका प्लेसेंटा डी अटैच हो चुका है उसका जो प्लेसेंटा है वो इंजर्ड हो चुका है उसका प्लेसेंटा क्या हो गया इंजर्ड इधर मैं लिखता हूँ इंजर्ड प्लेसेंटा ठीक है उसका जो प्लेसेंटा है वो क्या हो गया है इंजर्ड हो गया उसमें को, आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो उसका जब इंजर्ड प्लेसेंटा होगा वो क्या रिलीज करेगा वो रिलीज करेगा रिलीज क्या करेगा टिश्यू फैक्टर रिलीज क्या करेगा टिश्यू फैक्टर और टिश्यू फैक्टर कहाँ चले जाएंगे टिश्यू फैक्टर कहा चले जाएंगे मटर्नल ब्लड में ठीक है टिश्यू फैक्टर कहाँ चले जाएंगे मदर के ब्लड में ये बहुत अहम बात है मटर्नल ब्लड में जब वो मटर्नल ब्लड में जाएंगे तो क्या होगा जब मटर्नल ब्लड में जाएंगे तो आप पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी जो मदर होगी मदर की पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे क्या हो जाएगी ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और मुझे हिमाटोलॉजी वाले स्टूडेंट माशा जल्दी से बताएंगे कि अगर पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे क्लोटिंग हो रही हो तो हमने कौन सी डिजीज पड़ी थी शाहबाश जी डॉक्टर काशिफ आप ही चले बता दें आपने हिमाचत तो नहीं पढ़ा हुआ लेकिन आप बता दें जी डी आईसी डीवी टी नी डी आईसी डिजामेशन इसमें क्या होगा डी सी के बारे में आपने याद रखना है कि अगर आपकी पूरी बॉडी में और हो, हो तो आपको ना इसका केस भी बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए हम इस पर ना दो मिनट लगाते हैं इंजर्ड In प्ले आपने क्या किया प्लेसेंटा इंजर्ड हो गया उसका या आपने उसकी रप्चर कर दी तो जो उसके अम्योटिक फ्लू होगा एम्योटिक फ्लूड में क्या होता है टिश्यू फैक्टर होते हैं और टिश्यू फैक्टर किस में चले जाएंगे मटर्नल ब्लड में चले जाएंगे जब मटर्नल ब्लड में टिश्यू फैक्टर जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसको डीआईसी स्टार्ट हो जाएगा जो मदर होगी उसको डीआईसी स्टार्ट हो जाएगा जब उसको डीआईसी स्टार्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगी उसमें थ्रॉम्बोस बनना शुरू हो जाएंगे उसको क्या बनेंगे थ्रोम्बोसिस मतलब की उसकी पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा जब डिफरेंट जगह पे ब्लड क्लॉट होना शुरू होगा तो क्या होगा फर्ज करो ये जो ब्लड क्लॉट है ये जो ब्लड क्लॉट है ये लंग्स में चला जाता है ये जो ब्लड ये जो है ये थ्रोम्बस एम्बोलस थ्रम्बस में चला जाता है लंग्स में चला जाता है तो इसको हम कहेंगे पलनरी एम्बोलिज्म तो आ, आप ना अक्सर मरीज देखोगे आप जब गानी वार्ड में काम करोगे ना तो आपको अक्सर मरीज नजर आएंगे और उनको मसला क्या होता है उनको मसला ये होता है कि वो आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर साहब दो तीन दिन पहले डिलीवरी हुई थी दो तीन दिन पहले डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल थी कोई मसला नहीं था हुआ लेकिन उसके बाद ना सांस नहीं सही आ रहा उसके बाद ना इसको ए, इसको सांस में मसला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो आपने क्या सस्पेक्ट कर देना कि इसको डीआईसी हो गया है ठीक है इसको क्या हो गया डीआईसी और इसमें आपने याद रखना में आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसमें डी डायमर हो जाते हैं हमने में पढ़ा था डी डायमर ज्यादा हो जाते हैं है? है। और इसमें आपको प्लेटलेट्स कम मिलेंगे जो डीआईसी होता है इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सारे कंज्यूम हो जाते हैं हमने हिमा में पढ़ा था तो जो प्लेटलेट्स होंगे वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे प्लेटलेट्स आपको कम मिलेंगे और डी डायमर हॉस्पिटल में देखा भी होगा कि डिलीवरी के बाद अगर कोई लेडी है उसको सही तरह से सांस नहीं आ रहा तो पहली जो आपने सस्पेक्शन करनी है वो किसके पास करनी है डीआईसी की और उसको क्या है उसको एम्बोलिज्म हो गया डॉक्टर मिराज पूछते हैं डी डायमर क्या होते हैं डॉक्टर मिराज ये डी डायमर जो तो होते हैं ना इसको हम हिमाटोलॉजी में पढ़ेंगे फिलहाल मैं अभी इसको दोबारा नहीं बता सकता लेकिन आप इतना याद रख ले की दीज आर द ब्रेक डाउन जब हम उसको एथोमस को तोड़ते हैं तो उससे फिर फ्रेगमेंट्स निकलते हैं जिसको डी डायमर कहते हैं ठीक है इसकी डिटेल हम हिमाटोलॉजी में पढ़ेंगे अब फर्ज करो ये जो थ्रोम्बस है ये कहां पे चला में सी, में, उसमें अगर भी हो सकता है. उसके अलावा उसके अलावा ये अगर जो अगर यही थ्रोम्बस है डॉक्टर बेजाज पूछ रहे डीआईसी की फुल फॉर्म डी की फुल फॉर्म चले लिख लें वैसे ये पूरी डिजीज है हमने पढ़नी है डाइजेमिनेटेड डाइजेमिनेटेड डिजेमिनेटेड इंट्रा इंट्रावस्कुलर जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में डिफरेंट जगह पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट जगह पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर डिलीवरी के बाद अगर डिलीवरी के बाद आपके पास कोई पेशेंट आ रही है और उसको उसके प्लेटलेट्स कम है डी डाइमर ज्यादा है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या उसको डीवीटी है तो आपने पहला काम क्या सस्पेक्ट करना है कि उसको क्या हो गया है उसको डीआईसी हो गया है उसको क्या हो गया डीआईसी हो गया ये बहुत अहम बात है बहुत ज्यादा अहम बात है ठीक है आपकी सोच है कि ये कितने मरीज आपको रोज इसके देखने पड़ेंगे ठीक हो गया तो मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ये समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है बात जल्दी बताएं फिर मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ फिर आपको और ज्यादा इसकी समझ आ जाएगी ये आगे डायग्राम हमारी जी ये उसने दिखाया हुआ है कि जो प्लेसेंटा है प्लेसेंटल अबरप्शन में क्या होता है देखो ये उसने दिखाया हुआ कि concealed bleeding, जो bleeding होती है है कि कंसील्ड ब्लीडिंग ब्लीडिंग जो होती ये उसने वैसे यू का बताया हुआ है लेकिन मैं आपको इसको आसान करके बताता हूँ देखो जो अगर तो अगर तो प्लेसेंटा डी अटैच हुआ है, अगर तो प्लेसेंटा क्या हुआ है हुआ है मतलब ये यह, यहां पे प्लेसेंटा अटैच था वो डी अटैच हो गया लेकिन जो ब्लीडिंग थी वो अंदर ही रही है इसको हम कहते हैं कंसील्ड ब्लीडिंग इसको हम क्या कहते हैं कंसील्ड ब्लीडिंग लेकिन जो प्ले, प्लेसेंटा इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो डी अटैच हो गया प्लेसेंटा क्या हो गया डीटैच हो गया मतलब हट गया अपने रास्ते से क्या हो गया हट गया और साइड से जो उसका ब्लीडिंग थी और साइड से निकल के निकल के पे आ रही है उसकी वजाइना में आ रही है ठीक है यहाँ पे सर्विक तो सर्विक से वजाइना में आ रही है हट के, हट के कहाँ पे आ रही है, में आ रही है. इसको हम कहते हैं वजाइनल ब्लीडिंग इन थर्डर प्रेगनेंसी के करीब मतलब अगर अब्रप्ट क्या हो अब्रप्ट ब्लीडिंग हो तो इसको हम कहते हैं

देखो सबसे पहले क्या हुआ कि प्लेसेंटा डैमेज हुआ सबसे पहले क्या हुआ प्लेसेंटा डैमेज हुआ जब प्लेसेंटा डैमेज हुआ तो क्या हुआ जब प्लेसेंटा डैमेज हुआ तो क्या हुआ प्लेसेंटा ने रिलीज किया क्या रिलीज किया टिश्यू फैक्टर फ्रॉम प्लेसेंटा इनटू मटर्नल सर्कुलेशन कि जो टिश्यू फैक्टर थे प्लेसेंटा में अब ये तो सिर्फ प्लेसेंटा की बात कर रहा है ना जो एमनियोटिक फ्लूड होता है इसमें भी टिश्यू फैक्टर होता है इसमें भी टिश्यू फैक्टर होता है जो एमनियोटिक फ्लूड होता है इसमें भी टिश्यू फैक्टर होते हैं और जो प्लेसेंटा होता है इसमें भी टिश्यू फैक्टर होता है

अब उससे क्या हो सकता है अगर वो किसी ऑर्गन में फंस गए हैं फर्ज करो ब्रेन में फंस गए हैं या किडनी में फंस गए हैं तो उसका क्या करा देंगे ऑर्गन एस्कीमिया ऑर्गन डैमेज हो सकता है या फिर जो हम हमारे फिब्रेनोलाइसिस हैं जब उसको तोड़ेंगे तो हमें इसमें ना एक फाइंडिंग मिलती है कि इसमें हमें डी डाइमर ज्यादा मिलते हैं क्योंकि थ्रोम्बस ज्यादा बन गए तो थ्रोम्बस को जब हम तोड़ेंगे तो जब हम थ्रोम्बस को तोड़ते हैं तो हमें डी डाइमर मिलता है तो इसको हम पढ़ेंगे हिमाटोलॉजी में डी डाइमर क्या होता है तो जब थ्रोम्बस को तोड़ेंगे तो उस लेडी में हमें डी डायमर ज्यादा मिलेंगे क्यों क्योंकि उसमें थ्रोम्बस बन रहे हैं थ्रोम्बस टूट भी रहे हैं तो उसकी वजह से क्या मिल रहा है डी डायर मिल रहा है और उसमें हमें प्लेटलेट क्या मिलेंगे प्लेटलेट कम मिलेंगे प्लेटलेट क्या मिलेंगे कम मिलेंगे और कोगुलेशन फैक्टर भी क्या मिलेंगे हमें कम मिलेंगे क्यों क्योंकि वो सारे कंज्यूम हो चुके हैं और उसको क्या होगा उसको ब्लीडिंग होगी ठीक है उसको ब्लीडिंग डिफेक्ट होगा क्योंकि उसके सारे प्लेटलेट उसके सारे कोगुलेशन फैक्टर यूज हो चुके हैं और ये हमने ना डी पढ़ा था हमेटोलॉजी में इसलिए अब मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन फिलहाल आपने यही याद रखना है कि अगर आपके पास कोई मरीज आता है और उसकी डिलीवरी हुई है उसकी डिलीवरी हुई है और उसके बाद उसको कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको इस तरह के मिसाइल आ जाते हैं तो आपने कहना है कि इसको डीआईसी हो गया और इसका मैंने पेशेंट देखा हुआ है इसका मैंने खुद अपनी आंखों से पेशेंट देखा हुआ है ओके जी अब आई होप कि आपको ये पूरा पेज जो कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है आप समझ आ गया इसमें कोई मसला नहीं रह गया जल्दी बताएं अगर को पूरे पेज में कोई मसला है तो मुझे बताएं नहीं तो फिर हम एक कल हमने एक पेज छोड़ा था हम वो पेज जल्दी से खत्म कर दें और फिर हम क्लास एंड करते हैं जल्दी बताएं जल्दी एम्योटिक फ्लूड एम्बोलिज्म की वजह से भी तो शॉर्टनेस जी डॉक्टर अदनान वही तो बता रहा हूँ एम्योटिक फ्लूड होता है ना इसमें भी होता है इसमें भी टिश्यू फैक्टर होते हैं और ये भी थ्रोम्बस करवाते हैं इसको हम कहते हैं एम्योटिक फ्लूड एम्बोलिज्म यहाँ जो एम्योटिक फ्लूड अगर वो ब्लड में चला जाए तो उसमें भी एम्बोलस बन जाता है इसको हम पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेंगे हेमाटोलॉजी में भी बताऊंगा आपको चले जी सबको समझ आ चुकी है हम आगे चलते हैं अब पेज नंबर निकालें पेज नंबर सिक्सटी टू ठीक है पेज नंबर सिक्सटी टू इसमें दो चार बातें करने वाली जल्दी से खत्म करते हैं पांच मिनट में और फिर हम क्लास एंड करते हैं ठीक है अब इसने लिखा हुआ है अदर डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था एक दो और चीजें पड़ी थी एंड्रोजन इंसेंसिटी सिंड्रोम कालमैन सिंड्रोम चलो मैं जरा आपका टेस्ट लेता हूँ आप सारे माशाल्लाह टाइपिंग स्टार्ट करें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास एक मरीज आता है ठीक है आपके पास एक मरीज आता है और उसका कद लंबा है ठीक है उसका कद लंबा है और उस उसमें कौन सा सिंड्रोम आप सस्पेक्ट करोगे करोगे मतलब कंफर्म तो तो नहीं लेकिन अगर उसका कद लंबा है क्या होगा उसको दो सिंड्रोम आप उसके सस्पेक्ट कर सकते हो एक आप मुझे बता रहे हो एक मैं आपको बता देता हूँ आप उसको क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का कह सकते हो प्लस उसको आप कौन सा कह सकते हो डबल वाई ठीक है एक्स डबल वाई में ठीक है एक्स डबल वाई में ओके जी आई थिंक आपको समझ आ रही है बातों की ओके हम आगे चलते हैं अब मुझे जरा बताना शाबाश कि हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था जिसमें मैंने कहा था कि क्या होगा जिसमें हम हाँ, मुझे बताना कि बार बॉडी किस सिंड्रोम में हमें नहीं मिलती जो बार बॉडी है वो किस सिंड्रोम में हमें नहीं मिलती यस yes, टर्नर में नहीं मिलती माशाल्लाह जी सारे लावे सही बता रहे हैं कि टर्नर सिंड्रोम में हमें बार बॉडी नहीं मिलती ओके okay, और हमने क्या पढ़ा था और हमने पढ़ा था एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में मुझे बताना कि जब जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का पेशेंट होगा जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का पेशेंट होगा जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाएगा तो जो उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा वो नॉर्मल होगा या अब नॉर्मल होगा जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाएगा दोबारा सुने एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का पेशेंट जब प्यूबर्टी हिट कर जाएगा तो उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो अब नॉर्मल होगा नॉर्मल होगा जी एक स्टूडेंट माशाल्लाह एडम से हैं और वो सही बता रही हैं और एक एडम वाली गलत बता रही है और एक सही बता रही है और डॉक्टर सैयद आसिम सही बता रहे हैं जी हमने कहा था कि जो एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम है जब त, जब वो बच्चा पैदा होता है तो होता तो वो मेल है होता तो वो शकील है लेकिन जो उसका एक्सटर्नल जेनेटीरिया वो फीमेल जैसा होता है लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करता है तो क्या होता है उसमें टेस्टोस्ट्रॉन बढ़ता है जैसे ही टेस्टोस्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या होता है उसका जो एक्सटर्नल जेनेटीरिया जो अंडर डेवलप था टेस्टोस्ट्रॉन ने क्या कराना होता है प्यूबर्टी तो में तो क्या कराना होता है उसके एक्सटर्नल जेनेटीरिया की डेवलपमेंट करानी होती है तो काफी हद तक जो एक्सटर्नल जेनेटीरिया वो सही तरह से डेवलप हो जाता है काफी हद तक ठीक हो गया

सेक्स डेवलपमेंट के uh, मतलब जो सेक्स डेवलपमेंट है उसमें और डिसऑर्डर क्या-क्या आ सकती है। so, जो आपका होता है इसमें क्या होती है दिस, दिस्क्रिपन्सी। दिस्क्रिपन्सी। दिस्क्रिपन्सी का मतलब होता है कि मिसमैच है दोनों दोनों स्टेटमेंट आपस में मिल ही नहीं रहे तो डिस्क्रिपेंसी होती है किसके दरमियान बिटवीन

ठीक है तो समझ आई है कि हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं अब देखो इसमें ना एक वर्ड हम यूज करेंगे हर्मा ठीक हर्मा फ्रोट, हर्मा है इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है पहले हम ना इसको पढ़ते हैं जो पहली डिजीज उसने लिखी हुई है इज 46, 46 अब ये देखो आप सारे बहुत स्याने हो और आपको पता है फोर्टी सिक्स तो क्या है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोम फोर्टी सिक्स और एक्स एक्स भी क्या है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रो एक्स एक्स भी उसका सेक्स पेयर उसने बताया हुआ है तो मुझे बताना है कि जो ये हम मैंने आपके सामने ये मेकअप लिखा है ये मेल है या फीमेल है ये तो पहले मुझे बताया ना ये फीमेल है यस yes, सारे सही बता रहे हैं कि ये क्या है इट इज फीमेल इट इज फीमेल अब ये फीमेल है लेकिन इसके आगे उसने लिखा हुआ है डी एस डी डी एस डी का मतलब क्या होता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट कि है तो इसका कैरियो टाइप जो है उसके जो अपना क्रोमोसोम है तो वो नॉर्मल लेकिन इसमें क्या है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट है इसका जो सेक्सुअल uh, डेवलपमेंट सही तरह नहीं हुई क्यों नहीं हुई वो हम पढ़ते हैं तो ये है, है तो फीमेल ठीक है ये है तो फीमेल

हाँ, इसमें क्या होगा ओवरीज होंगी बट एक्सटर्नल होगा इसकी दो बहुत बहुत कॉमन वजह ठीक है एक तो वजह ये है कि इसकी जो मदर थी इसकी जो मदर थी वो क्या ले रही थी वो बहुत ज्यादा एंड्रोजन ले रही थी एंड्रोजन एंड्रोजन मतलब कि जब 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 ये बेबी माँ के पेट में था तो इसकी मदर मतलब क्या ले रही थी बाहर से क्या ले रही थी थीड ले रही थी ले रही थी तो आपको पता है जब वो बाहर से लेगी तो क्या होगा एक्जोजीनियस जब एंड्रोजन लेगी तो क्या होगा उसको उसको ये वाला मसाइल हो जाएंगे कि उस वो होगी तो फीमेल लेकिन क्या होगा कि उसका जो एक्सटर्नल जेनेटर लिया वो ए, क्या होगा एम्बिगोस होगा क्यों क्योंकि एंड्रोजन जब वो बाहर से लेगी तो उससे क्या होगा उससे टेस्टोस्टिर बढ़ेगा

और क्या ले रही है और उसमें क्या है एंड्रोजन ज्यादा है अच्छा मेरा आप सबके लिए एक ओपन क्वेश्चन है कि हम बेबी बेबी को जब डिलीवरी के करीब होता है तो डिलीवरी के करीब नहीं हम देते बेबी की हमने प्री मेच्योर बर्थ करी हो बेबी की हमने प्री मेच्योर बर्थ करवानी हो तो हम उसको स्टीरोड क्यों देते हैं जो मेरी पतोह के स्टूडेंट होंगे वो जल्दी बता देंगे क्योंकि मैंने इनको उधर लेक्चर हॉल में पढ़ाया था थोड़ा सा अगर इन्होंने सुना हुआ तो जी डॉक्टर काशी भी माशाल्लाह सही बता रहे हैं जो बेबी होता है ना इसकी जो लंग्स की डेवलपमेंट होती है ना हो तो तब लंग, इसकी लंग्स डेवलप होती है लेकिन अगर हमने डिलीवरी करानी है थर्टी फोर से पहले तो हम इसको स्टीरोड देंगे बेबी को ताकि उसका जो सरफेक्टेंट है वो बने सरफेक्टेंट बने और उसके हम उसकी डिलीवरी करा सके ठीक हो गया तो ये हम जल्दी से बताया है क्योंकि टाइम कम है अभी

कि हमने डॉक्टर निमरा आई थिंक आप एंडोक्रेनोलॉजी में प्रेजेंट नहीं थी ना तो इसलिए आपको इस समझ नहीं आ रही क्योंकि हमने मैंने वहाँ पे आपको एक स्टोरी भी बताई थी कि थीजा को आपने याद कैसे रखना याद आया सेवन बीटाइड जी डॉक्टर काशिफ हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक सत्रह साल का स्कूल बॉय है और एक इक्कीस साल का लड़का है जो कि एशियन में पढ़ता है और फिर मैं मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि आप इसके किस तरह याद रखोगे ठीक है तो आपने उसको रिवाइज करना आपको ये सारा याद हो जाएगा अच्छा यस yes, में हमने कहा था जो एक जो सत्रह साल का लड़का है वो पंजाब कॉलेज में पढ़ता है और जो इक्कीस साल का है वो एसमी में पढ़ता है और फिर हमने कहा था कि ये किस तरह आपने इन दोनों इंजाम को याद रखना है ट्वेंटी वन डेफिशिएंसी हो जाए तो आपने किस तरह इसको याद रखना है ठीक है ओके okay. अब फोर्टी फोर्टी सिक्स एक्स वाई फोर्टी सिक्स एक्स वाई प्लस इसमें क्या है ठीक है तो इसमें आपने याद रखना है इसमें क्या होगा कि चूंकि वाई क्रोमोसोम है तो वाई में क्या होगा मेल ठीक है वाई में ये है तो मेल ठीक है है तो मेल लेकिन इसमें क्या होगा इसमें जो एक्सटर्नल जेनेटीरिया होगा वो क्या होगा इसमें एक्सटर्नल जेनेटीरिया क्या होगा फीमेल जैसा होगा तो देखो है तो ये मेल क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है तो इसमें एस आर वाई जीन भी होगा वाई क्रोमोसोम पे जब एस आर वाई जीन है तो इसमें क्या होगा इसमें टेस्टिस तो होंगे ठीक है इसमें क्या होगा टेस्टिस तो प्रेजेंट है टेस्टिस तो क्या है प्रेजेंट है लेकिन जो इसका एक्सटर्नल जेनेटीरिया जो इसका एक्सटर्नल है वो क्या है वो फीमेल जैसा है ठीक है वो किस तरह का है फीमेल जैसा ठीक है तो एक्सटर्नल जैनटीरिया फीमेल जैसा है लेकिन जो इसमें टेस्टिस भी प्रेजेंट है तो हमने कल इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी मुझे जरा जल्दी से बताना बल्कि बुक पे लिखा हुआ है आप देख के बता दोगे जो ये इसकी एग्जाम्पल हमने कल ही पढ़ी थी डेट वॉज एंड्रोजन दैट वॉज एंड्रोजन इन सेंसिटिविटी सिंड्रोम दैट वॉज एंड्रोजन इन सेंसिटिविटी सिंड्रोम इन सेंसिटिविटी सिंड्रोम एंड्रोजन इन सेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है देखो जब मैंने आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूँ जब बेबी माँ के पेट में होता है तो क्या होता है उसका जो इंटरनल जेनेटिलिया होता है ना वो फीमेल बनती है ना वो मेल बनता है ठीक है और जो बाहर वाला एक्सटर्नल जेनेटिली चूंकि काम नहीं कर पा रहा तो जो एक्सटर्नल जेनेटीलिया वो भी uh, वो भी फीमेल जैसा बन जाता है लेकिन जब वो बड़ा होता है तो जो एक्सटर्नल जेनेटीलिया होता है वो तो सही डेवेल्प हो जाता है लेकिन इंटरनल जेनेटिलिया उसका डेवेल्प नहीं होता क्योंकि इंटरनल जेनेटिली डेवलप किससे होता है मलेरिया डग से ठीक इंटरनल uh, जेनेटरिया किससे डेवलप होता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ मलेरिया डग ठीक है तो वो नहीं नहीं थी वो हो गई थी, थी इस वजह से जो इसका इंटरनल जेनेटेरिया ना वो फीमेल जैसा होगा ना वो मेल जैसा होगा लेकिन जो इसका एक्सटर्नल जेनेटेरिया जब ये पैदा होगा तो इसका एक्सटर्नल जेनेटेरिया फीमेल जैसा होगा जैसे वो ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया वो थोड़ा सा डेवेल्प होगा और वो मेल जैसा हो जाएगा तो ये होता तो मेल है लेकिन जब ये पैदा होता है तो ये शकीला होती है जब ये बड़ा होता है तो फिर ये शकील बन जाता है ठीक हो गया तो ये इसमें सारी बातें अब मैं आपको एक दफा पेज पे लेकर चलता हूँ और मैं आपको एक दफा रीड करवा देता हूँ क्योंकि आपने कंफ्यूज हो जाना इसमें ये आ गया इस पेज ठीक है पेज है छे हमने ये सारी चीजें पढ़ी है इसमें उसने ये बताया हुआ है कि फॉर्मली कार्ड इंटरसेक्स स्टेट्स फॉर्मली कार्ल्ड इंटरसेक्स स्टेट्स इसमें क्या होता है कि इसको हम इंटरसेक्स स्टेट कहते हैं डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फिनोटिपिक सेक्स के जो इसमें फिनोटाइप हमें कुछ और बता रही है और उसमें सेक्स कुछ और है है ठीक इन दोनों के दरमियान क्या होती है मिसमैच होता है इसमें उसने आपको तीन डिजीजे बताई हुई है 46XX, 46XY and 46XX में क्या होगा? होगी तो तो ये female. हो इसमें तो लेकिन जो एक्सटर्नलिया होगा वो क्या होगा होगा, वो मेल जैसा होगा क्यों होगा इट इज ड्यू टू कंजनाइटलिया इन कंजनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इन बेबी या फिर जो बेबी है उसका एंड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ है मतलब कि जो माँ थी वो एंड्रोजन बहुत ज्यादा यूज करती रही है जिसकी वजह से जो एंड्रोजन है आपको पता है एंड्रोजन कैन क्रॉस प्लेसेंटा तो एंड्रोजन क्या चले गए बेबी में भी चले गए और उससे क्या हो गया उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया और अगर वो मेल है और उसका सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उसमें क्या हो सकता है उसमें टेस्टिस तो प्रेजेंट है लेकिन उसका जो बाहर वाला लेकिन उसका जो एक्सटर्नल मतलब फीमेल जैसा है मोस्ट कॉमनलीफेट इन एंड्रोजन रिसेप्टर ये हमने काली पड़ा था कि एंड्रोजन इन सेंसिटी सिंड्रोम उसके बाद उसने ये लिखा हुआ रखना है वो टेस्टिकुलर. वो टेस्टिकुलर में आपने याद जो 80 परसेंट ये फीमेल को इफेक्ट करता है और 80 परसेंट फीमेल को इफेक्ट करता है और 20 परसेंट ये मेल को इफेक्ट करता है और ओवरीज भी प्रेजेंट होंगी और मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि अगर एक अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर मेल uh, के ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल के ऑर्गन भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनिज्म एक ही है तो इस टर्म इस, को हम क्या कहते हैं इस टर्म को हम क्या कहते हैं आपने ये पौधों में पड़ा होगा

एग्जाम्पल uh, है, है दो हजार भी नहीं है ठीक है दो हजार बाईस में नहीं है ये पता नहीं है मेरे पास दो हजार तेईस वाला एडिशन है पीडीएफ में तो इसमें यह सारा कुछ लिखा होगा अच्छा अब आप मुझे बताएंगे कि फॉल्स uh, हर्माफ्रोडाइट की अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है तो मुझे आप वो बताएंगे कि वो कौन सी एग्जाम्पल है जी जी शाह जल्दी बताएं कि uh, ये तो हो गया ट्रू हर्माफ्रोडाइट इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट है लेकिन एक और अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सूडो हर्माफ्रोडाइट या फॉल्स हर्माफ्रोडाइट जी डॉक्टर अनाम डॉक्टर काशिफ जी बताएं जल्दी शाबाश मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का आप मुझे बताएंगे डॉक्टर आतिफ है हादी आप भी जरा बता दें डॉक्टर अक्सा है काफी माशाल्लाह स्टूडेंट हमने बताए ना मुझे कि ये तो जो ओवर टेस्टिकुलर है इट इज ट्रू हर्माफ्रोडाइट लेकिन सूडो हर्माफ्रोडाइट हम किसको कहेंगे हमने अभी आपके सामने लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे डॉक्टर काशिफ एक्स एक्स कैसे होगा हाँ देखो आप सारे माशाल्लाह सही बता रहे हो लेकिन आप मैं आपको बताता हूं जो हमने ऊपर ये डिजीजे पढ़ी हैं, ये वाली दो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या द एग्जांपल ऑफ सूडो हर्माफ्रोडाइट दीज आर दूडो जो आपकी फोर्टी सिक्स एक्स वाई है दीज आर मतलब हमें लगता यह है कि दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं, लेकिन वो, वो होता नहीं है ऐसा देखने में और होने में फर्क है तो इट इज सुडो हर्माफ्रोडाइट। और जो आपका ओवो है, ट्रू कि इसमें ही और एक ही बंदे में होते हैं ठीक है तो ना मुश्किल होती है ना मुश्किल होता है ठीक हो गया जो ऊपर वाली दो डिजीजे इट इज एग्जाम्पल ऑफ सुडो हर्माफ्रोडाइट जो नीचे वाली है ठीक हो गया अच्छा आगे उसने दो टेबल बनाए हैं इसको हम दो मिनट में खत्म करते हैं इसमें कुछ भी नहीं उसने उसने लिखा हुआ उसने आपको ये बताने की कोशिश की है कि डायग्नोजिंग डिसऑर्डर बाय सेक्स हार्मोन कि अग, मतलब आप डिसऑर्डर को सेक्स हार्मोन की तरह कैसे डायग्नोज करोगे तो इसमें उसने ये बताया हुआ है कि जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है देखो मैं आपको एक दफा बता देता तो हूँ आपने इसको समझ आ जाएगी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता तो टेस्टोस्ट्रोन तो आ गया टेस्टोस्ट्रोन हमें क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रहा तो पीछे फीडबैक की वजह से हमारा ब्रेन कहेगा कि काम तो हो ही नहीं रहा तो ब्रेन क्या करेगा एलेक्स ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो एंड्रोजन में हमें टेस्टोस्ट्रोन और एलेक्स हमें ज्यादा मिलते हैं क्यों क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा रिसेप्टर ही खराब हो गए उसके अलावा आगे वाली डिजीज डिजीजो ट्यूमर मतलब कि अगर कोई बंदा है उसको ट्यूमर हो गया सेल का ट्यूमर हो गया किसका ट्यूमर हो गया लेडिक सेल का एक्सोजीनियस क्या ले रहा है बाहर से स्टीरोड ले रहा है तो उसमें क्या होगा उसमें टेस्टोस्ट्रोन तो ज्यादा होगा लेकिन फीडबैक की वजह से फीडबैक की वजह से एल कम होगा ऐसे ही है ना और अब एक है, है हाइपरगनेडोट्रोपिक्नेडोट्रोपिक का मतलब क्या होगा कि इसमें हार्मोन ज्यादा होंगे इसमें ज्यादा होगा तो एल एच तो, तो ज्यादा होगा तो हो लेकिन इसको क्या है, है।, है? छोटे, छोटे है। मतलब सही तरह काम नहीं कर पा रहे इसका साइज छोटा है तो जी एन आर एच तो ज्यादा है लेकिन आगे गुनेड्स पे काम नहीं कर पा रहा तो क्या होगा जो एल एच है वो तो ज्यादा है जीएनआरएच भी ज्यादा एफ एस एच भी ज्यादा है लेकिन आगे गुनेड्स काम नहीं कर रहे तो टेस्टोस्टेरोन हमें क्या मिलेगा कम मिलेगा

कि देखो अगर एक फीमेल है और उसमें क्या है जी एन आर जी एन आर एच क्या है ज्यादा है जी एन आर एच मतलब क्या है ज्यादा है और नहीं, मतलब नहीं कर रही और उसमें क्या है जी एन आर एच ज्यादा है अगर उसकी ओवरीज काम नहीं कर रही तो क्या होगा ओवरीज अगर काम नहीं कर रही तो क्या होगा उसमें एस्ट्रोजन नहीं बनेगा जब उसमें एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो उसमें उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी एस्ट्रोजन ने क्या करानी होती थी ब्रेस्ट डेवलपमेंट करानी थी लेकिन मुझे कोई बंदा बता सकता है कि इसमें यूट्रस प्रेजेंट क्यों है डॉक्टर खिजर बताएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे ये पहले आंसर किया हुआ है ये जो आप ये ये जो फीमेल है इसमें एस्ट्रोजन की कमी है क्योंकि उसकी ओवरीज मतलब उसके गुनेड काम नहीं कर रहे तो इसमें यूट्रस फिर क्यों प्रेजेंट है एस्ट्रोजन की तो कमी है परज, नहीं नहीं गलत है गलत प्रोजेस्ट्रोन नहीं है मुझे पहले आप ये बताएं कि इंटरनल जेनेटेलिया जो बनता है वो कहाँ से बनता है उसको किसी हार्मोन की जरूरत होती है जल्दी बताना जो इंटरन जेनेटिलिया वो किससे बनता है पैरा मतलब मलेरियन डाक से बनता है तो अगर हम उसको इनहिबिट नहीं करेंगे तो वो तो चुप करके इंटरनल जेनेटीरिया बना देता है तो जो इंटरनल जेनेटीरिया होता है उसको किसी हार्मोन की जरूरत नहीं कम से कम पड़ती तो इसलिए जो ये मरीज होगा इसमें ब्रेस्ट तो डेवलप नहीं होगी ये जो मरीज होगा इसमें ब्रेस्ट ब्रेस्ट तो डेवलप नहीं होगी लेकिन इसमें यूट्रस प्रेजेंट होगी क्यों क्योंकि जो मलेरियन डक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें इंटरनल जेनेटीरिया में और हाइपोग्रोपिक हाइपोगनेडोट्रोपिक हाइपोग में क्या होगा

तो मलेरियन डग जब कन्वर्ट हो जाएगी तो जो ये आप दो हमने डिजीजेस पढ़ी हैं इनमें क्या होता है इनमें यूटरस तो प्रेजेंट होता है लेकिन ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती बस यूटरस प्रेजेंट होता है और आगे उसने लिखा हुआ है मलेरियन एज कि अगर जो मलेरियन डग हैं उनकी एज एनिस हो जाए तो अब जरा मुझे बताना कि यूट्रस होगी जी जिन्होंने आंसर किया उनके अलावा जरा बताएं जो बच्चे सो रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मलेरियन एज एनिस है मलेरियन काम ही नहीं मलेरियन डग ही खराब हो गई होगी तो क्या उनमें यूट्रस होगी जाहिर सी बात है नहीं होगी क्योंकि मलेरियन डॉक्ट ने क्या बनाना बनाना था तो मलेरियन डक ही नहीं है तो फिर क्या है, भी नहीं है. तो, तो नहीं होगी और, अ, और एंड्रोजन में भी हमने काल मेल में हमने पढ़ा था क्या होता है ए एम एच बनता है और ए एम एच बनने से क्या होगा ए एम एच बनने से भी क्या होगा कि मलेरियन डक इनहिबिट हो जाएंगी और यूटस इसमें नहीं होगी यूटस इसमें नहीं होगी फ्लोपियन ट्यूब भी नहीं होगी इसमें फ्लोपियन ट्यूब आई थिंक फ्लोपियन ट्यूब होगी फ्लोपियन ट्यूब तो किसी और डाक से बनती है ना उसमें पैरा पैरामिजोन फ्लोपिन uh, ट्यूब किससे बनती थी uh, जरा देखना किससे फ्लोपियन ट्यूब होगी इसमें आई थिंक फ्लोपियन ट्यूब होगी अच्छा इनसेंसिटिव सिंड्रोम में क्या होगा कि आपका ब्रेस्ट तो डेवेल्प होगी लेकिन क्या होगा जो नहीं हो नहीं होगी होगी और ब्रेस्ट डेवलप होगी ठीक है तो इसको आपने देख लेना कॉन्सेप्ट मतलब अगर आप रिवाइज करना चाहते हो टॉपिक्स को तो आपने ये इन दो टेबल्स को पढ़ लेना और आपको पूरे टॉपिक सारे सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे ठीक हो गया जिनको नहीं समझ आई उनको इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि उन्होंने पिछले टॉपिक नहीं पढ़े हुए वो पहले पिछले टॉपिक पढ़े फिर उनको ये टेबल की समझ आ जाएगी मैं एक दफा रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ